हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 45th ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप एरे के सम और एवरी नाम के मेथड सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक वेरिएबल है एजेस नाम का और इसके अंदर हमने चार वैल्यूज दिए हैं। ये एजेस हैं, एक 10 है, 13, 18 और 20। अब आप कुछ ऐसा चेक करना चाहते हैं कि ये इसमें से कोई एक भी वैल्यू अडल्ट है कि नहीं, मतलब कि अडल्ट एज में आती है कि नहीं। तो उसके लिए आपने जैसे एक वेरिएबल ले लिया अडल्ट एज और उसमें डाल दिए 18, और आप अब इसको चेक करना चाहते हैं कि हर वैल्यू इसमें से चेक हो कि 18 से बराबर या 18 से बड़ी है कि नहीं। तो इसके लिए आप फॉर लूप भी चला सकते हैं सिंपली, और उस फॉर लूप के अंदर आप एक इफ की कंडीशन लगा लें तो उसके अंदर भी आप ये काम कर सकते हैं, मगर वो काम थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। कि अगर आपको चेक करना है कि एजेस में से कोई एक भी वैल्यू अडल्ट एज के बराबर है या नहीं, तो इसका एरेज में एक सिंपल सोल्यूशन आया जो है सम नाम का फंक्शन। इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि इसमें से कोई एक भी वैल्यू अडल्ट है कि नहीं, मतलब कि इस कंडीशन को टेस्ट करके आप पास करवा सकते हैं कि इसमें वो वैल्यू है कि नहीं। तो वो वैल्यू कैसे चेक होगी? पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे सम के अंदर, एक कॉल करेंगे फंक्शन। वो फंक्शन एरे की हर वैल्यू के लिए कॉल होगा जो चेक करेगा ये वैल्यू 18 से बड़ी है या नहीं, या 18 के इक्वल है कि नहीं। मतलब कि पहले 10 को चेक करेगा, फिर 13 को, फिर 18 को, फिर 20 को। देखिए 10 तो 18 से बड़ा नहीं है, ना इसके बराबर है, ना 13, 18 है 18 के इक्वल, तो मतलब कि एक अडल्ट एज है इसके अंदर और 20 भी है, तो इसको ये ट्रू कर देगा। जो सम नाम का फंक्शन है इसकी वैल्यू को रिटर्न ट्रू कर देगा। तो इसका सिंपल सा मीनिंग यही है सम का, कि अगर एरे की कोई भी एक भी वैल्यू जो हम कंडीशन में पास करवाएंगे उस कंडीशन की एक भी वैल्यू से मैच कर जाती है, मतलब कि एक भी कंडीशन, जैसे 18 यहां पे टेस्ट पास कर गया कि वो अडल्ट एज से बड़ा है, तो उसने वैल्यू रिटर्न करा देगा। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। यहाँ देखिए, हमने एक HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया और इसके अंदर हमने एक एजेस नाम का वेरिएबल लिया है जिसके अंदर अलग अलग चार वैल्यूज आ रही है, मतलब कि एजेस आ रही हैं, और यहाँ पर हमने इसको प्रिंट भी करा लिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रिंट हो रही है। अब यहाँ पर हम चेक करना चाहते हैं कंडीशन से इन सारी वैल्यूज को, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं जैसे बी, और बी के अंदर हम वो कंडीशन चेक करवाने के लिए हम लिखेंगे एजेस डॉट सम। जो सम नाम का वेरिएबल है ये हमारे को एक ही वैल्यू देगा, ट्रू या फॉल्स, मतलब कि बी में एक ही वैल्यू आएगी, ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी। और वो ट्रू और फॉल्स कब आएगी? जब सम के अंदर हम एक कंडीशन डालेंगे, अगर वो एक बार भी ट्रू हो जाती है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन ले लेंगे। जैसे मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ चेक अडल्ट, मैं ये फंक्शन बनाऊंगा और इसके अंदर यहाँ पर इसको बंद कर दिया, और मैं यहाँ पर बी की वैल्यू को प्रिंट करा देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैंने लिख दिया बी, मगर अभी ये चलेगा नहीं क्योंकि मेरे को सबसे पहले चेक अडल्ट नाम का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो हर बार एरे की हर एक वैल्यू को चेक करने के काम आएगा। तो भाई मैं इसको आपको दिखाता हूँ नीचे। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया जिसका नाम है चेक अडल्ट, और इसके अंदर देखिए, जैसे आपने यहाँ पर एक पैरामीटर चाहिए होगा जो हर बार इसकी वैल्यू को चेक करेगा। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एज, मैंने एक एज नाम का एक वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर मैं यहाँ पर रिटर्न करवा देता हूँ। रिटर्न क्या होगा? ट्रू या फॉल्स रिटर्न होगा। तो यहाँ पर देखिए, ट्रू और फॉल्स को कंपेयर करने के लिए हमारे को यहाँ पर एक मेरे को कंडीशन बनानी पड़ेगी कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करके, और देखिए मैंने यहाँ पर एक कंडीशन बना ली। ये एक तरीके का टेस्ट है जो हम इस फंक्शन के अंदर बनाया चेक अडल्ट के अंदर। ये टेस्ट क्या करेगा? ये हर एक वैल्यू को टेस्ट करेगा, ये वैल्यू 10 जो है वो 18 से बड़ी है कि नहीं, 13 बड़ी है कि नहीं, 18 जो है वो 18 से बड़ी या इक्वल है कि नहीं। अगर एक बार भी एक सिंगल वैल्यू भी इसको टेस्ट में क्लियर कर जाती है टेस्ट को, तो वो वैल्यू को रिटर्न कर देगा ट्रू। तो देखिए मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैल्यू आ गई ट्रू। ट्रू क्यों आई? क्योंकि एक वैल्यू 18 नाम की है जिसकी वैल्यू जो है 18 के बराबर है। यहाँ देखिए, या तो ग्रेटर है हो या इक्वल हो। अगर मैं यहाँ पर इसको 15 कर दूं और फाइल को सेव करके दिखाऊं, तभी देखिए आंसर आ रहा है ट्रू, क्योंकि एक 20 नाम की वैल्यू पड़ी है जो कि 18 से बिगर है। मगर अगर मैं इस वैल्यू को भी यहां से कम कर दूं, देखिए मैंने इसको 2 ईयर कर दिया सिर्फ, और यहां मैंने फाइल को सेव किया और देखिए यहां पर आ गया आंसर फॉल्स। फॉल्स क्यों आ? क्योंकि एक भी वैल्यू इसमें ऐसी नहीं है जो इस टेस्ट को क्लियर कर पाए, तो उसने आंसर में रिटर्न में क्या दिया हमारे को? फॉल्स। तो आपको ये बात याद रखनी है, जब भी आप सम नाम का जो फंक्शन है एरे का इसको यूज करेंगे, तो ये ऐसे सिंपली यूज नहीं कर सकते आप इसे। इसके लिए आपको एक फंक्शन बनाना पड़ता है जिसके अंदर आप कोई भी एक टेस्ट रिटर्न करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक टेस्ट बनाया, एज क्या ग्रेटर है या इक्वल है 18 के, जिससे पता लग जाए कि जो एज है वो अडल्ट है कि नहीं। आइए अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा एवरी फंक्शन क्या काम करता है। एवरी फंक्शन भी सम की तरह ही काम करता है। देखिए जैसे यहाँ पर हमने एक एजेस नाम का वही एरे बना लिया जिसमें अलग अलग हमने एज दी हुई है,
और हमारे पास यहाँ पे एक अडल्ट एज नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 18। और यहाँ पर हम चेक करना चाहते हैं कि कुछ हमारी सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर हर वैल्यू जो है एरे की वो 18 से बड़ी होनी चाहिए या 18 के बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो यूज करेंगे उसका नाम है एवरी फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास जैसे हमने पिछले फंक्शन में अभी आपको दिखाया था कि सम क्या कर रहा था, ये किसी भी एक वैल्यू को अगर ट्रू हो जाती है तो ये ट्रू कर देता था, मतलब कि अगर एक बार भी कंडीशन टेस्ट जो है क्लियर हो जाता है तो उसमें ये रिटर्न कर देता था ट्रू। मगर अब हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपली एवरी एवरी, और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी फंक्शन के साथ ही काम करता है। तो ये हर वैल्यू को चेक करेगा, जब तक सारी वैल्यू इसमें से टेस्ट को क्लियर नहीं करेंगी तब तक ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। मैंने फाइल को सेव किया और देखिए यहाँ पर आंसर आ रहा है फॉल्स। अगर मैं यहाँ पर दो वैल्यूज को जाके बड़ा भी कर दूँ, देखिए इसे मैंने 19 कर दिया और लास्ट वाली वैल्यू को मैंने 20 कर दिया। मैंने फाइल को सेव किया और देखिए अभी भी फॉल्स आ रहा है क्योंकि अभी सिंपल दो ही वैल्यूज ऐसी हैं 19 और 20 जो इस टेस्ट को क्लियर कर पा रही है। अब मैं यहाँ पे जाके देखिए इसको 15 को 25 कर दिया और इसको मैं 100 कर देता हूँ। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आ गया ट्रू। ट्रू क्यों आया, क्योंकि जितनी भी वैल्यूज है 100 भी 18 से बड़ी है, 19 भी, 25 भी और 20 भी, तो सारी वैल्यूज ने इस टेस्ट को क्लियर किया है तभी इस एवरी नाम के फंक्शन ने हमारे को वैल्यू रिटर्न में ट्रू दी है। तो यहाँ पर आपने जो दोनों फंक्शन है सम और एवरी, इन दोनों का डिफरेंस देख लिया। एवरी जो फंक्शन है ये जब तक सारी वैल्यूज जो है एरे की कंडीशन को क्लियर नहीं करती तब तक ट्रू नहीं रिटर्न करता, और जो सम है अगर उस एरे की एक भी वैल्यू कंडीशन से पास हो जाती है तो वो रिटर्न ट्रू कर देता है। तो इस वीडियो में आपने देखा सम और एवरी नाम के फंक्शन जो रेड में आपको नजर आ रहे हैं, ये फंक्शन हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वहां जाके ये देख सकते हैं फंक्शन, ये एरे से रिलेटेड ही फंक्शन है। और जो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में नजर आ रहे हैं ये हम अपनी आने वाली वीडियोज में कवर करने वाले हैं, तो उन वीडियोज को देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।